हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं और मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो यहाँ पे स्पॉज भी बैठा हुआ है और मैं हूँ, और मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ जो बहुत ही दूर से आई हुई है, और वो नोएडा से आई हुई है चंडीगढ़। तो मैं सोची कि चलो हम मिल लेते हैं आज, और उसको मिलना भी था और यहाँ पे वो अपने मौसी के घर आई हुई थी। तो हम फाइनली अभी जा रहे हैं मिलने के लिए, और हमने कल कल ऐसे प्लान बनाया कि हम मिल लेते हैं। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ मैंने फर्स्ट बार सूट किया। तो ये है मेरी फ्रेंड जो हाई कर रही है, और ऐसा मिलके ऐसा नहीं लगा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। और यहाँ पे स्पर्श मेरे साथ बैठा हुआ है और ये कहीं गए हुए हैं कुछ लेने के लिए। तो मैं बीच बीच में कभी कभी वीडियो शूट कर ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो बातें करने से ही फुर्सत हमारी नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्केचिंग बनवा रहे हैं लोग, तो ये चीज़ें देख के ना काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ लेक का बहुत ही अच्छा सा व्यू होता है, और यहाँ हम दोनों जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग कहीं बैठ के बातें कर लेते हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं, और देखिए दूसरी साइड में लेक का व्यू आपको दिख रहा है। तो हमारी मस्ती मजाक चलती जा रही थी और बातें भी कर रहे थे कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कुछ कुछ से। तो ऐसे मैंने ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हे गाइस, और मैं जिससे मिलने वाली थी, मैं बताई थी कि मैं कोई आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, तो वो यहाँ मेरे साथ अभी बैठी हुई है और यहाँ पे है, आप देख सकते हो। हेलो। और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर नमिता शर्मा, और आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और बस, और हम अभी यहाँ पे आए हैं सुखना लेक। तो यही पे हमारा था ना कि हम यहीं पे मिलेंगे, लेक पे ही। और इस टाइम पे वैसे काफ़ी ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी भी है, लेकिन जहाँ छाया है ना पेड़ वेड़ के नीचे, वहाँ बैठने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद फिर जहाँ पार्क है उस साइड में हम जाएंगे। और अभी स्पर्श और इनके जो बेटे हैं और बेटी हैं, वो लोग गए झूले पे, और स्पर्श भी साथ में गया हुआ है। और इनकी जो वीडियो, इनकी कजन सिस्टर आई हुई है, वो लोग बना रहे हैं, और मैं अपनी वीडियो में खुद अपनी खुद से शूट कर रही हूँ। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि चलो कहीं बैठ के हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि बच्चे अभी साथ में है नहीं, और थोड़ी देर बात कर लेंगे और उसके बाद फिर इधर उधर थोड़ा सा घूमेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं कहीं बैठने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ धूप है वहाँ बहुत कम लोग दिख रहे हैं, और जहाँ छाया है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा मिल के नहीं लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम इससे मिल रही हूँ। और यहाँ पे हम दोनों वीडियो फ़ोटो शूट करा रहे हैं, हमने सोचा कि चलो दो चार फ़ोटो ले लेते हैं, यहीं याद भी रहता है। तो यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, और मैं इसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। और हम फ़ोन पे भी ज़्यादा कभी बात नहीं किए थे, फ़ोन पे एक बार ही हम कभी कल बात किए थे, और उसके बाद हम मैसेज के थ्रू ही बात करते हैं। और बट हम डिसाइड किए कि जब तुम आए हो तो हम लोग मिल लेते हैं। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इनकी कज़न सिस्टर जो हैं वो लोग हमारी फ़ोटो ले रही हैं। तो इस तरह से हमें जैसे जैसे पोज ले के और फिर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम जाएँगे फिर से बाहर जाएंगे यहाँ से। हम थोड़ा सा नीचे आए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं अब, और काफ़ी ज़्यादा धूप है ना, तो पेड़ के नीचे ही अच्छा लग रहा है।
तो ये जो मेरी फ्रेंड है ये भी एक यूट्यूबर है और इनके चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर नमिता शर्मा। तो आप लोग चाहें तो आप इनके चैनल पे जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आई हुई थी तो मैं उसको दे रही हूँ गिफ्ट, और बहुत बहुत ज़्यादा ही स्वीट है, बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और हमारी बातें शुरू हो गई, तो उस टाइप से ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा लगा मिल के। और यहाँ भी हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और साइड में और भी लोग हैं जहाँ जो फ़ोटो ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे वैसे सुखना लेक पे बहुत अच्छा लगता है, शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम डिसाइड कर रहे हैं कि चलो बोटिंग करते हैं, बट इतनी धूप है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को लेके कि हम कैसे जाएंगे बोटिंग करेंगे, कि बहुत ज़्यादा ही धूप है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो हम वही डिसाइड कर रहे हैं और यहाँ पे बातें बातें भी कर रहे हैं। और शाम को ही एक्चुअली इसको निकलना भी है यहाँ से नोएडा के लिए, तो इसी इसी वजह से हमने ना मॉर्निंग का प्लान किया है कि हम मॉर्निंग में ही मतलब दोपहर के टाइम, मॉर्निंग करते करते दोपहर हो गया तो ऐसे हम इसी टाइम पर मिले हैं। क्योंकि शाम का वैसे हमारा पहले तो प्लान बना था कि हम शाम को मिलेंगे, क्योंकि इवनिंग में सुखना लेक पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। बट दोपहर के टाइम थोड़ा सा शांति शांति रहती है, इवनिंग के टाइम लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम बातें कर रहे हैं। और यहाँ हम बातें कर रहे हैं कुछ YouTube के बारे में और मीन्स अपने चैनल के बारे में और कुछ अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ऐसे हम कुछ बातें बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी दोनों कज़न सिस्टर बैठी हुई हैं और यहाँ वो फ़ोटो क्लिक कर रही हैं, बट हम देख नहीं पा रहे हैं, हम दोनों बातें करने में बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो वो बार बार बोल रही थी, तो फिर उसने अब जब ज़ोर से बोला ना तब हमें सुनाई दिया, और उसके बाद हम अभी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि चलो अब हम चलते हैं जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर में है, हम काफ़ी दूर तक चले आए थे ऐसे घूमते घूमते। और अभी देखिए धूप भी है और बट ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है, जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो भी शूट कर रही थी साथ साथ, और यहाँ पर हम सब आ गए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा रश है और यहाँ पे झूले वगैरह बच्चे के लिए लगे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं, और कोई कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, ऐसे सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि धूप धूप तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इनको बोला था, तो उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड अभी कुछ लाने गए थे, तो ये लेके आए हैं आइसक्रीम और भैया पानी लेके आए हैं। तो ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चों को कुछ चाहिए था खाने के लिए, तो यहाँ पे आइसक्रीम जो भी आइसक्रीम मिला है वो लेके आए हैं। और यहाँ स्पोर्ट्स इनके साथ गया हुआ था तो वो भी अभी आया है। और फिर हम यहाँ पे प्लान बना रहे हैं आइसक्रीम खाने के बाद कि हम चलो बोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम मिले हैं तो ऐसे मतलब थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, याद रहेगा हमें। तो इस टाइप से तो हम बातें कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि चलो हम स्पॉर्च को लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि स्पॉर्च की थोड़ी सी तबीयत ठीक ठीक नहीं लग रही है। और वैसे भी यहाँ पे लेक पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही, देख के आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पहले मना कर रहे थे कि मत जाओ बहुत गर्मी है, बट हमने सोचा कि यार फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो हम इंजॉय भी कर लेते हैं। और यह स्पर्श इनके साथ खड़ा है टिकट लेने के लिए, बोट की टिकट लेने के लिए। तो आपको पता है कि स्पर्श मेरे साथ अगर ये रहते तो इनके साथ ही रहता है, दौड़ के चला जाता है, मेरे पास बहुत कम रखता है, मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रखना पड़ता है उसको, तब वो रहेगा। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और ये बोल रहे थे कि स्पर्श को भी ले जाओ, बट मैं मना कर दी कि उसकी तबीयत और भी ज़्यादा कहीं ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भीड़ भी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सब लोग बोटिंग कर रहे हैं, धूप है फिर भी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं, और उसके पहले हम लाइफ लाइन जैकेट्स पहनेंगे। और हम चार लोग जा रहे हैं और एक दो बच्चे हैं और हम तीन हैं, तो एक बोट पे ही हम आ जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा जैसे ना चक्कर सा आने लगा था हमें बोटिंग करने पे। और यहाँ पे देखिए अभी हम जा रहे हैं अंदर को, और उसके बाद यहाँ वंशिका है और
यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पे बच्चों को, तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं बोट पे और बोटिंग कर रहे हैं। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, थोड़ा सा क्लिप बनाया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मोबाइल पानी में गिर जाएगा, तो इस तरीके से। और यहाँ देखिए बच्चे को धूप लग रही है ना वेदांश को, तो उसने क्या किया लाइफ लाइन जैकेट्स को ही उसने ओढ़ लिया, और हमें ऐसा चक्कर सा आने लगा था एकदम से, इतनी ज़्यादा धूप और नीचे से पानी है बट उसमें भी गर्मी है और ऊपर से धूप भी लग रही है। तो यहाँ पर हम सोचे कि थोड़ा सा हम ज़्यादा बोटिंग नहीं किए, थोड़ा बोटिंग करके हम चले कि चलो चलते हैं, नहीं तो हम यहीं पे हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी बोट पे ही। तो उसके बाद हम जा रहे हैं, डिसाइड कर लेते कि चलो, एक दो बार हम तो डिसाइड करने के बाद भी हम फिर से घूम गए थे, बट उसके बाद हम सोचे कि चलो अब हम नहीं करेंगे बोटिंग। और उसके बाद हम आ गए हैं और हमने कुछ ऐसे सोचा है कि चलो हम कहीं स्नैक्स वगैरह खाते हैं क्योंकि भूख भी लग गई है बच्चों को। हमें तो ठीक है, मैं तो नाश्ता करके निकली थी हम, लेकिन बच्चों को भूख लग जाती है, आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लगा कि चलो ठंडक जगह थोड़ा सा बैठते हैं। तो यहाँ पे ही लेक पे ही रेस्टोरेंट है, अंदर को बाहर भी है और अंदर भी है, तो हम अंदर जा रहे हैं बैठने के लिए। और ये स्पर्श आगे है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही हूँ, तो मैं उसी क्योंकि अभी मिलने आए हैं तो हम साथ में ही थे, तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो कुछ ये लोग देख रहे हैं ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पे कज़न ब्रदर है नमिता का और मामा का लड़का है, और यहाँ पे स्पर्श मेरे साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वीडियो शूट भी कर ले रही हूँ। और यहाँ देखिए हम सारे लोग बैठ के और बातें भी कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाया है तो हम लोग खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स और जिसको जो जो लेना था हमने मंगा लिया है। और उसके बाद ये लोग चले गए घर को, हम ज़्यादा देर नहीं रुके, 2 घंटे से ज़्यादा हमने नहीं रुका, और ये लोग जा रहे हैं और हम लोग भी अब जा रहे हैं, तो मैंने पीछे से थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लिया था। और फाइनली हमने अभी कैब कर लिया है क्योंकि स्कूटी से आना इतनी धूप में ना बहुत ही मुश्किल था, तो इसी वजह से हमने कैब कर लिया ओला। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू।